हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। दोस्तों, एनएमसी बिल में यह प्रावधान है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 50% सीटों की फीस गवर्नमेंट द्वारा फिक्स की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जिम्मा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को दिया था। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और उसको दिसंबर 2019 के लास्ट वीक में या फिर जनवरी 2020 के फर्स्ट वीक में सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तो ये स्टूडेंट व उनके पेरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। अभी मेरिटेरियस स्टूडेंट को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने का मौका मिलेगा। आप ये दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर देख रहे हैं, 21 नवंबर 2019 का। इसमें लिखा है, देश भर के निजी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले छात्रों व उनके परिजनों को बड़ी राहत मिल सकती है। निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की आधी सीटों की फीस 70% तक जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस 90% तक घटाने की तैयारी है। नए नियमों से संबंधित ड्राफ्ट स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयार करवा लिया है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते या जनवरी 2020 में ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। देश में मेडिकल एजुकेशन का जिम्मा अभी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यानी बीओजी के जिम्मे हैं। इसी बोर्ड को सरकार ने एमबीबीएस और पीजी सीट की फीस तय करने के लिए ड्राफ्ट बनाने का जिम्मा दिया है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सूत्रों के अनुसार 20,000 छात्रों को होगा फायदा। दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों के निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सालाना फीस 25 लाख रुपये तक है। मध्य प्रदेश, यूपी जैसे कुछ राज्यों में 10 से 12 लाख रुपए है। देश में एमबीबीएस की 80,000 सीटें हैं जिनमें से 40,000 निजी कॉलेज में हैं। इनमें से आधी यानी 20,000 सीटों की फीस केंद्रीय नियमों के मुताबिक तय करने की तैयारी है। अभी तर्ज क्या है, किस बेस पर हो रहा है ये? तो पीजी कोर्स में दाखिला ते ही इलाज शुरू कर देते हैं छात्र, इसलिए घटाई जा रही है फीस। पीजी में दाखिला मिलते ही छात्र संबंधित मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में इलाज शुरू कर देते हैं। पीजी में थ्योरी से ज़्यादा जोर इलाज पर रहता है, क्लासरूम की पढ़ाई से ज़्यादा सेल्फ स्टडी होती है। सरकारी मेडिकल कॉलेज से पीजी कर रहे छात्रों को हर माह 50,000 से 95,000 रुपये तक भत्ता देती है। दिल्ली में एम्स पीजी छात्रों को हर महीने 95,000 रुपये भत्ता देता है। दूसरी ओर निजी मेडिकल कॉलेज में भी पीजी करने के दौरान स्टाइपेंड के तौर पर कुछ राशि दी जाती है, लेकिन जो फीस ली जाती है उसकी तुलना में भत्ते की रकम बहुत मामूली होती है। अभी तैयारी क्या हो रही है इसके बारे में आगे लिखा है, निजी कॉलेजों में पीजी कोर्स की कुल 20,000 सीटें, 10,000 सीटों पर फीस कम होगी। ड्राफ्ट के मुताबिक पीजी कोर्स की फीस 90% तक घटाई जाएगी। 10% फीस भी छात्रों के रहने से लेकर लाइब्रेरी, रिक्रेशन लैब और मेडिकल कॉलेज के अन्य खर्च की वजह से ली जाएगी। अभी यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि फीस की सीमा क्या होगी, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर यह फैसला हो चुका है कि फीस 90% तक कम की जाएगी। आधी सीटों की फीस केंद्रीय नियमों के अनुसार तय होगी, जबकि आधी सीटों की फीस पहले की तरह ही संबंधित राज्यों में बनी कमेटी तय करती रहेगी। ये सारी बातें ड्राफ्ट में शामिल की गई हैं। अब आखिरी फैसला नेशनल मेडिकल कमीशन को करना है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट को और इसके बाद पीजी करने वाले स्टूडेंट को। पीजी में तो 90% तक फीस कम करने की ये प्लानिंग है और एमबीबीएस में 70% तक फीस कम करने की प्लानिंग चल रही है। तो ये जनवरी के फर्स्ट वीक में ये ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया जाएगा, तब हमें पता लग जाएगा कि किस प्रकार से ये फीस तय की गई है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।